सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के बारे में, जो कि वर्ल्ड कप 2019 के लिए भारतीय टीम के लिए आई दो बहुत ही बड़ी खुशखबरी। टीम इंडिया में वापसी हुई दो जबरदस्त दो खतरनाक खिलाड़ियों की वर्ल्ड कप 2019 के लिए। तो गाइस, क्या पूरा माजरा किस खिलाड़ी के टीम में वापसी हुई है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के तगड़े वाले फैन हैं तो कर दीजिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक। दोस्तों आपको बता दूं कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 जो कि 30 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 14 जुलाई 2019 को खत्म होगा, यानी कि फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा वर्ल्ड कप का 14 जुलाई को। लेकिन 30 मई से वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही सभी टीम खेल रही है वार्म अप मैच यानी कि प्रैक्टिस मैच, तो वहीं भारतीय टीम भी वार्म अप मैच यानी कि प्रैक्टिस मैच खेल रही है, जहां पहला प्रैक्टिस मैच खेल चुकी है न्यूजीलैंड के खिलाफ और अब अपना दूसरा और आखिरी वार्म अप मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी 28 मई 2019 को। तो इसके बाद जब 30 मई से वर्ल्ड कप 2019 के मेन मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे तो भारतीय टीम वहां पर अपना पहला मुकाबला 5 जून 2019 को खेलेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो कि यहां पर भारतीय टीम के लिए दो बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जो कि पहली बड़ी खुशखबरी यह है कि विजय शंकर जहां पहले वार्म अप मैच से पहले ही प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस के दौरान उनके दाएं हाथ में चोट लग गई थी, जिसके चलते वो पहला वार्म अप मैच नहीं खेल पाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन जब उनका एक्सरे हुआ, रिपोर्ट्स आई, तो बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि विजय शंकर 100% फिट हैं, कोई भी इंजरी नहीं है, ऐसे में वो अब वर्ल्ड कप 2019 में खेलेंगे। लेकिन इससे पहले सस्पेंस था कि विजय शंकर शायद वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो जाए, क्योंकि चोट काफी ज्यादा गंभीर थी। जब उन्हें चोट लगी थी तुरंत ही अपना प्रैक्टिस सेशन छोड़कर ही ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए थे, लेकिन अब ये 100% फिट हैं और टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। तो इसके बाद दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि जो कि केदार जाधव आईपीएल के बीच में इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद वो आईपीएल से भी बाहर हो गए थे और उनका वर्ल्ड कप 2019 खेलने का भी सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही ये 100% फिट हो गए थे। लेकिन फिट होने के बावजूद भी पहले वार्म अप मैच में केदार जाधव नहीं खेलते भारतीय टीम की तरफ से, क्योंकि दोस्तों अपने इंजरी से अभी तक पूरी तरह से उभरे नहीं है। लेकिन यहां पर इस मैच में खेल सकते थे वार्म अप मैच में, लेकिन यहां पर टीम इंडिया ने इन पर कोई भी रिस्क नहीं उठाया और उन्हें आराम दिया गया। लेकिन वर्ल्ड कप 2019 के मेन मैचों में वो खेलते हुए दिखाई देंगे और केदार जाधव भारतीय टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि ये जबरदस्त गेंदबाजी के साथ साथ काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। तो गाइस, ये केदार जाधव और विजय शंकर की इंजरी की पूरी कंफर्म रिपोर्ट्स। वहीं आपको बता दूं कि भारतीय टीम का अगर कोई भी बल्लेबाज इंजरी या फिर किसी भी वजह से बाहर होता है वर्ल्ड कप से पहले या फिर वर्ल्ड कप 2019 में, तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में एज ए स्टैंड बाई के तौर पर ऋषभ पंत और अंबाती रायडू को शामिल किया गया है, जो कि इन दोनों ही खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाएगा। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें। वहीं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है क्रिकेट की हर एक न्यूज़ एंड अपडेट सबसे पहले।